ये बताया गया है कि सृष्टि निरंतर बढ़ती चली जा रही है। भृगु के पुत्र चवन हुए और शुक्र हुए। क्रतु ने क्रिया नाम की भार्या से बाल्यखिल्यों को उत्पन्न किया और अंगिरस ऋषि के तीन पुत्र हुए, एक का नाम बृहस्पति, एक का नाम उतथ्य और एक का नाम शंबर। वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर, पराशर के कृष्ण द्वैपायन व्यास, व्यास जी के ही सुखदेव। इस तरह से संतति बढ़ी। इधर विश्वश्रवा नाम के जो ऋषि हुए वो पुलस्त के पुत्र थे और विश्वश्रवा के ही पुत्र हुए कुबेर। जैसे ही सूत जी ने यह बताया तो जो सुनने वाले सनकादि थे उन्होंने कहा, महाराज एक मिनट रुक जाइए, आपने पंचम अध्याय में हम लोगों को बताया कि भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक में सृष्टि करने की इच्छा से संपन्न हुए तो उनके श्रीअंग से कुबेर उत्पन्न हुए और मनोरमा नाम की पत्नी उनको प्राप्त हुई। अब आप यहां पर आकर के कह रहे हैं कि विश्वश्रवा के वो पुत्र थे, तो ये क्या बात है? श्रोता जब सजग होता है तो वक्ता को पकड़ लेता है, वक्ता सजग होता है तो श्रोता को समझ लेता है कि श्रोता कितना ध्यान से सुन रहा है। तो जैसे ही ये बात आई सूत जी को पता चल गया कि जिनको हम सुना रहे हैं वो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, तो सुनाने का जो उत्साह है वो बढ़ गया। उन्होंने कहा, महाराज आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कुबेर जी हैं यद्यपि वो भगवान श्री कृष्ण के श्रीअंग से सृष्टि के आदि में ही आविर्भूत हुए थे, लेकिन ब्रह्मा जी का बीच में शाप हो गया जिसके कारण उनको विश्रवा के यहां जन्म लेना पड़ा। का क्या बात है? का बात यह है कि उतथ्य नाम के जो ऋषि हैं वो गुरु जी को दक्षिणा देने के लिए कुबेर जी के पास गए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की उन्होंने मांग की कि हमको गुरु दक्षिणा देना है, आप 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए। तो कुबेर जी को दे देना चाहिए था, लेकिन कुबेर जी देर लगाने लगे, काफी देर की हिला हवाली की। ऐसा होता है कि जिसके हाथ में पैसा आ जाता है तो वो सहज में नहीं देता है, वो कुछ अपना महात्म्य सिद्ध करने के लिए काफी हिला हवाली करता है, दौड़ाता है बार बार कि आ जाइए, कल आइए, अभी थोड़ी देर में बैठे रहिए। तो कुबेर के मन का भी ऐसा ही स्वभाव हो गया था धनाध्यक्ष होने के कारण। तो उतथ्य ऋषि ने धन मांगा गुरु जी को दक्षिणा देने के लिए, कुबेर जी ने दिया तो, लेकिन बिरसो भूतवा, रस से नहीं दिया, बड़े कठोर मन से भुनभुनाते हुए दिया कि अब देखो बिना काम किए गुरु दक्षिणा के लिए पैसा मांगने के लिए लोग आएंगे तो फिर क्या होगा खजाने का, कैसे खजाना सुरक्षित रहेगा, अरे कुछ करो उसके बदले में मांगो तो ठीक लगता है। ऐसे भुनभुना करके जब दिया तो उतथ्य को सब अच्छा नहीं लगा। जो गुरु दक्षिणा है इसको देने के लिए जब विद्यार्थी आता है तो इसका मतलब है कि वो उधार ले रहा है, आगे चल करके जब कमाएगा तो कमा करके भर देगा। तो उसके मन में आया कि मैं कोई इनसे दान तो मांग नहीं रहा हूं, मैं तो एक बार गुरु जी को दे करके उनको निश्चिंत कर दूं। उसने देखा होगा कि गुरुकुल में समस्या है तो गुरु दक्षिणा देने की उसकी इच्छा हो गई होगी। उस भाव को कुबेर जी नहीं समझ रहे हैं, हिला हवाली कर रहे हैं। इस बात को देख करके उसके मन में रोष हुआ और चकार भस्मसाद विप्र, उतथ्य ने शाप दिया कि भस्म हो जाओ, तुम रहने के काबिल नहीं हो। और परिणाम क्या हुआ? विश्रवा के पुत्र रूप में फिर से कुबेर को जन्म लेना पड़ा। वही विश्रवा जिसके 3 और प्रमुख पुत्र थे जिनका नाम आप लोग जानते हैं, एक का नाम था कुंभकर्ण, एक का नाम था रावण, एक का नाम था विभीषण। वही विश्रवा, उसी विश्रवा के एक अन्य पत्नी से ये कुबेर हुए थे।